आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एहसन मेडिकल कॉलेज के आकस्मिक विभाग में लगातार ओपीडी के दौरान मरीजों को देखा जा रहा है। इस दौरान मरीजों को देखने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा खास व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर वरिष्ठ फार्मासिस्ट डॉक्टर आरएस राणा द्वारा जानकारी दी गई। ताजनगरी में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि अब जो ताज़ा आंकड़ा है वो 650 के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में लोगों को, ऐसे लोग जो सर्दी खांसी जुकाम से परेशान रहते हैं या अन्य बीमारियों से परेशान रहते हैं और ओपीडी के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज आते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो उसका ख्याल रखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं एसएन के इमरजेंसी वार्ड में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक विंडो बनाई गई है जहां पर एक माइक लगा हुआ है, जहां से मरीज डॉक्टर को अपनी परेशानी बताएगा, तो वहीं दूसरी ओर एक माइक और है जहां से डॉक्टर जो है मरीजों को उनके इलाज के बारे में बताएंगे। साथ ही एक जो विंडो बनाई गई है वहाँ पर एक छोटा सा गैप छोड़ा गया है जहाँ से मरीज अपना पर्चा अंदर डॉक्टर तक पहुँचा सकता है, तो वहीं डॉक्टर भी उस पर दवाई लिखकर मरीज को वो पर्चा वापस कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ हैं मेडिसिन विभाग के एक कर्मचारी आरएस राणा जी, आइए उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्था इमरजेंसी वार्ड में की गई है। यहाँ पर ये ट्राइज ओपीडी का वो किया गया है। ट्राइज में सुबह 8 से 11 बजे तक तो फ्लू ओपीडी चलती है, जो खांसी जुकाम बुखार के मरीज आते हैं उनको देखा जाता है। उसके बाद 2400 घंटे के लिए ट्राइज ओपीडी चलती है। मरीज सबसे पहले हमारे पास आता है, उसका पर्चा बनाया जाता है, उसको मास्क पहना के सैनिटाइज करके डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जो भी डॉक्टर एडमिशन होना है तो एडमिशन के लिए लिख देंगे, या इमरजेंसी में जाना है तो इमरजेंसी के लिए लिख देंगे। इमरजेंसी में भी दो फ्लोर बने हुए हैं, एक ग्रीन टैग एक रेड टैग। तो ग्रीन टैग वाला पेशेंट नीचे रखते हैं, रेड टैग वाला ऊपर रखते हैं। उसके बाद MCH कोविड में जाना है तो MCH कोविड में भेज देते हैं, क्वारंटाइन में जाना है तो क्वारंटाइन में, डिसाइड यहीं होता है। इमरजेंसी में बगल में ही है, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। राणा जी, और क्या क्या यहाँ पर सुधार किए जा रहे हैं, क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं? और भी मरीजों के हित में, जैसे खुली जगह थी यहाँ पर टिन सेट लगाया जा रहा है, धूप में मरीज खड़ा ना हो, क्योंकि वैसे ही मरीज परेशान होकर आ रहा है, उसको और परेशानी धूप में खड़े होकर इंतजार करके करनी पड़े, इसकी वजह से टिन सेट लगाया जा रहा है, वाटर कूलर लगाया जा रहा है, RO प्लांट लगाया जा रहा है, मरीजों को शुद्ध पानी मिले। और बगल में ये टंकी लगी हुई है, इसमें हाथ साफ करवाया जाता है लैबो साबुन से, जब उसके बाद पर्चे वाले काउंटर भेजा जाता है। पूरी सुरक्षा का मरीजों का ध्यान रखा जा रहा है, प्रॉपर दवाई से लेके दिखाने से लेके पूरी सुविधा मरीज को यहाँ दी जा रही है, जिससे परेशानी ना हो। जैसे कि राणा जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो दवाइयाँ हैं वो अपने यहाँ पर कितनी पर्याप्त मात्रा में हैं? दवाइयाँ हमारे पास जनरल रूटीन की सारी पर्याप्त मात्रा में हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सारी दवाई यहीं से, जो फार्मेसी है हमारी बगल में, यहाँ फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, उनके द्वारा दी जा रही है। जैसा कि लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंस का किस तरह ख्याल रखा जाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग का तो मरीजों को हमने गोले बनाए हैं, यहाँ पे गोले में खड़े करते हैं। दो मरीज काउंटर पर होते हैं, मेडिसिन के डॉक्टर बैठे हुए हैं, PD आगे बैठे हुए हैं, एक एक काउंटर पर एक एक मरीज पहुँचेगा। सारी उनको ट्रीटमेंट से लेके सारा पर्ची बनवा के दवाई की उसको लेके मरीज को दे दी जाती है, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, दूसरे मरीज को वहाँ भेज दिया जाता है। तो ये थे हमारे साथ चीफ फार्मासिस्ट RS राणा जी, जिन्होंने जानकारी दी कि क्या 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 बदलाव यहाँ SN इमरजेंसी वार्ड में किए जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि RS राणा जी ने बताया कि 2-way माइक लगाए गए हैं, जहाँ से मरीज को बोलने में दिक्कत ना हो, डॉक्टर को सुनने में दिक्कत ना हो, तो वहीं दवाइयों को भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, आगे गर्मी और बढ़ रही है और थोड़े मौसम में भी बदलाव आ रहे हैं, तो गर्मी और तुम्हारा बारिश से बचाने के लिए यहाँ पे पीछे की आप मेरे देख सकते हैं टीन सेट डाला जा रहा है। यहाँ पे जाके लोग इसके नीचे आकर मतलब थोड़ा ठंडक का एहसास ले सकें और व्यवस्थाएँ बनी रहें। साथ ही पानी की व्यवस्था की जा रही है, हाथ धोने की व्यवस्था की जा रही है। नहीं, सारी सुविधाएँ सही चल रही हैं और मरीजों के लिए भी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, गर्मी नहीं लगे उसके लिए जो है टीन डलवाई जा रही है, सारी व्यवस्थाएं लगे हुए हैं सब। तो ये था हमारे साथ विनोद जी, जिन्होंने बताया, जानकारी दी कि ऐसे क्या क्या कुछ और बदलाव होने जाएंगे। तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि एक बहुत बहुत बड़ी पहल है जिला प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, कि लॉकडाउन के दौरान जब जहाँ हालात ऐसे हैं कि लोग अपने घरों से ही बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी इमरजेंसी में भी मतलब जहाँ सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हैं, सारी प्राइवेट OPDs बंद हैं, ऐसे में मरीज जिला अस्पताल आकर अपना चेकअप करा सकता है, अपना इलाज करा सकता है, डॉक्टर को दिखा सकता है, दवाइयाँ ले सकता है। कैमरा पर्सन रामेश्वर के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।